बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है वो हम देखते हैं कि ये क्या है। ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इस डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो ये एस और पी के दरमियान मौजूद है। इसमें ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन शामिल मौजूद है, यानी कि ये सेकंड बी से शुरू होते हैं, सॉरी थर्ड बी से शुरू होते हैं और सेकंड बी पे एंड करते हैं। ये ट्रांजिशन कहलाते हैं। इनमें देखें, मैंने ऊपर से जो है वो रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ये जो जिसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है नीचे, सारे के सारे ये कहलाते हैं टिपिकल ट्रांजिशन। जबकि ये वाले जो है ना थर्ड बी और सेकंड बी वाले, इनको हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, बिकॉज इनका डी और एफ यानी कि स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम, इधर से जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका जो वेलेंस शेल है यानी कि इनका जो डी ऑर्बिटल है, दैट इज आधे आइदर कंप्लीटली फिल्ड आर वेकेंट। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स जिनके अंदर डी और एफ सबशेल जो है वो पार्शली फिल्ड हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एंड नॉन मेटल्स ऑफ द पी ब्लॉक। जैसे कि पीछे हमने ये टेबल में देखा कि ये देखें, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल्स है मेजोरिटी, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रू मेटल्स हैं। ये इनके दरमियान जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एंड टिपिकल ट्रांजिशन। अब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन वो है सेकंड बी और थर्ड बी के एलिमेंट जिसमें जिंक, कैडमियम वगैरह, मरकरी मौजूद है, स्कैंड्रियम मौजूद है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो है वो ये कंप्लीटली फिल्ड जो है वो इनका डी ऑर्बिटल होता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन जो है इन दोनों के अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो जो 8 ग्रुप बनते हैं, यानी कि फर्स्ट बी के एलिमेंट हैं, इन फर्स्ट बी वालों को हम कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, जिसमें कॉपर है, जिसमें सिल्वर है, जिसमें गोल्ड है। ये फर्स्ट बी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, दी ग्रुप फर्स्ट बी एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल। अच्छा जी, फर्स्ट बी के एलिमेंट हैं, 4 बी के हैं, 4 बी से लेके 8 बी तक वालों को हम जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कॉपर है, आयरन है और क्रोमियम है। नेक्स्ट है जी, गिव द प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सारी मेटल्स हैं ट्रू सेंस में, मसलन इसमें देख लें आयरन है, कॉपर है, क्रोमियम है, गोल्ड है, ये मैंगनीज है, ये सारी मेटल्स हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर हम आपसे शेयर करें तो फेरस और फेरिक है। फेरस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और फेरिक में +3 होती है। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द ट्रेंड इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। बाइंडिंग एनर्जी के लिए यह है कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां तक इंक्रीज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। आफ्टर दैट ये मिडल तक बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है और इसके बाद जो है डिक्रीज करती है, क्योंकि मिडल तक बाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। जी देख लेते हैं जी, दी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस अप टू दी ग्रुप 6B एंड देन डिक्रीजेस अप टू सेकंड बी। दिस वाज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप टू 6B। आफ्टर दैट पेयरिंग विल टेक प्लेस एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं। सो अगर हम इसको सिंगल वर्ड में देखें तो बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव द ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो जाहरी चार्ज है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल जो है वो, एस के अलावा जो है वो डी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से वेरिएबल शो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, दी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि अप टू मैंगनीज तक, और मैंगनीज की जो है हाईएस्ट होती है +7, और इसकी वजह यह है कि ऑल द एस एंड डी इलेक्ट्रॉन आर यूज इन बॉन्डिंग। आफ्टर दैट पेयरिंग विल टेक्स प्लेस एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच वीकली अट्रैक्ट बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को
स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मैंगनीज Mn+2 है, जो कि जिसके अंदर जो है वो आपके मैक्सिमम जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। डी में 5 होते हैं और एस में 2 होते हैं। ये मैक्सिमम जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें हाइड्रोजन है का मॉलिक्यूल है और जिंक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, वाई Fe+3 एंड Mn+2 शो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्पीशी। और इसको अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mn+2 की, आर्गन का 18 है और 3d5 जो है यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह Fe+3 में भी 5d में 5 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन के 5 के 5 ही अनपेयर्ड है। इस वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये तीन दोनों जो स्पीशीज हैं Mn+2 और Fe+3, ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड क्यों हैं, इसको हम देखते हैं जी। नेक्स्ट इसमें देखें जी, ये डी के 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये टाइटेनियम हेक्साकू की एग्जांपल है, इसका आयन है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लिगेंट और डी ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं तो दे स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल, 3 नीचे वाले ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, 2 ऊपर वाले डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिट से जब हाई एनर्जी में जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए रिजाइड करेगा हाई एनर्जी में, आफ्टर दैट वो दोबारा अपनी जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। इस वजह से हमें वो कंपाउंड जो है वो कलर नजर आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टाइटेनियम हेक्साकू की, ये येलो लाइट अब्सॉर्ब करता है और रेड और ब्लू लाइट जो है ये इमिट करता है यानी कि ट्रांसमिट करता है। और जब ये ट्रांसमिट करेगा तो इस वजह से हमें सॉल्यूशन जो है वो वायलेट कलर नजर आएगा। बेसिकली रेड एंड ब्लू जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायलेट, रेड एंड ब्लू प्राइमरी कलर है और इनके मिलने से जो है वो सेकेंडरी कलर यानी वायलेट प्रोड्यूस होता है। द डी ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डेवलपमेंट इन देयर कंपाउंड्स। डी ऑर्बिटल जो है रिस्पॉन्सिबल है कलर डेवलपमेंट के लिए। व्हेन दीज ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल में वन सेट हैज हायर एनर्जी लेवल देन द अदर। द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल अब्सॉर्ब अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग सेट ऑफ वेवलेंथ दैट गिव्स डिफरेंट कलर टू द आयंस। ये जो है मुख्तलिफ कलर आयन को जो है देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है जी कंप्लेक्स एनाइन के ऊपर या सिंपल केटाइन के ऊपर, और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। दोज कंपाउंड विच कंटेन कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर आइंस एंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्सेस। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एक कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स दो चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है, सिंपल केटाइन और कंप्लेक्स एनाइन या कंप्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन पे। सेंट्रल मेटल एटम, दिस वन इज द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम आयन सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड सेंट्रल, यानी कि ये आयरन है इसके 6 लिगेंड मौजूद हैं विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम इन द अबव कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज लिगेंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन। वो स्पीशी जिस तरह हम पिछले वाले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, ये जो ये सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द मौजूद होंगी वो एक भी हो सकती है, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, वो न्यूट्रल भी हो सकती है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। वो लिगेंट जो सेंट्रल एटम के गिर्द मौजूद होंगे स्पीशीज, वो स्पीशीज जो सेंट्रल एटम को सराउंड किए रखती हैं वो लिगेंट कहलाते हैं। दैट कैन बी मोनोडेंटेड, दैट कैन बी पॉलीडेंटेड। अ स्पीशी विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट इज आर कॉल्ड लिगेंड, इसको लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड जो है वो अगर एक स्पीशी एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड, जिस तरह ये साइनाइड और अमोनिया। पॉलीडेंटेट क्या है, अ लिगेंड विच डोनेट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेंट्रल एटम इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड। ये ऑक्सालेटो इसकी एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखें साइनाइड 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड सेंट्रल एटम को डोनेट करता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस तरह आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एवरीथिंग दैट आर प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, हर वो चीज जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में मौजूद है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे द सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चीलेट, जब सेंट्रल मेटल एटम को कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड सराउंड करता है और ये एक या एक से ज्यादा रिंग वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं चीलेट्स। When all the donor atom of the polydentate ligand gets coordinated with the same metal ion are
A complex compound is formed which contain one or more ring in its structure is called chelate. इसको हम जो है वो chelate बोलते हैं कि central metal atom को कोई polydentate ligand surround कर दे तो this is chelate. What are interstitial compounds? ऐसे compound जिसमें central metal जो है ना metal के atom जो है they will behave like just balls. उन balls के दरमियान जो है जो spaces रह जाती हैं उन spaces को हम बोलते हैं interstices. तो जो compound है उन इंटरस्टाइसिस के अंदर कोई मेटल का एटम नहीं जा सकता, उसके लिए कोई स्मॉल नॉन मेटल एटम जो है अगर उन जगहों को कवर कर ले तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल एटम लाइक कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंटर द इंटरस्टाइसिस का मतलब है इनके अंदर जो मेटल एटम के अंदर जो स्पेसिस हैं उन स्पेसिस को जो है फिल कर ले कोई नॉन मेटल एटम्स जिसमें हाइड्रोजन है बोरान है कार्बन नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. एग्जाम्पल है जी स्टील इंटरस्टिशियल अलॉय है of iron and carbon का. What is alloy या substitution alloy क्या है? Alloy क्या है? Mixing of two or more metal is indefinite proportion is called alloy. यानी कि दो या दो से ज्यादा metals का एक खास ratio के अंदर मिलना ये alloy कहलाता है. अब इसकी example क्या है? Brass है, copper है, zinc. Brass जो है this is the alloy of copper and zinc. Bronze जो है this is the alloy of copper and tin. अब some transition metal जो है ये आगे substitution alloy almost same ही बात है. Some transition metal atom are capable of replace one another in the metallic lattice. यानी कि metallic lattice में metal atom जो है एक दूसरे metal atom से replace हो जाते हैं तो this is called substitution alloy. What is chromyl chloride test? This test is used, ये test जो है होता है chloride की verification के लिए यानी कि chloride की confirmation के लिए किसी भी salt के अंदर. इसमें क्या करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन लेते हैं और वो स्पीशीज जिसके अंदर जो है क्लोराइड रेडिकल हो सकता है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो आपके पास ये क्रोमाइल क्लोराइड बनता है. तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है दिस इज द अगर क्रोमाइल क्लोराइड का बनना यानी कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स का निकलना इस चीज़ की अलामत है कि इसमें क्लोराइड जो है मौजूद है या क्लोरीन मौजूद है. व्हेन सॉलिड पोटाशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद सोडियम क्लोराइड यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है पोटाशियम क्लोराइड है कुछ भी हो सकता है. In the presence of concentrated sulfuric acid, chromyl chloride is produced. This test is used for the confirmation of chloride radical. ये chloride radical की confirmation के लिए use करते हैं. Uses क्या है potassium dichromate के ये oxidizing agent के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये dyeing purposes में इस्तेमाल होता है और leather industry के अंदर chrome tanning में इस्तेमाल होता है. Staddle process है for the preparation of KM14. Staddle process में क्या करते हैं पोटाशियम मैग्नेट को जो है वो क्लोरीन उसमें से पास करते हैं तो KCl और KMnO4 बन जाता है. इन दिस मेथड क्लोरीन इज पास थ्रू द ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4. पोटाशियम मैग्नेट में से जो है वो क्लोरीन को पास करते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास जो है वो पर्पल कलर का KMnO4 यानी पोटाशियम पर मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है. दिस इज द स्टैडलर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4. हाउ KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो रिएक्शन विद H2S और रिएक्शन विद फेरस सल्फेट. H2S के साथ क्या करेगा KMnO4 का सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2S के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये H2S जो है इसमें सल्फर जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है जीरो में चला जाएगा यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा और KMnO4 जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा. तो इसमें ये सल्फ्यूरिक KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया, इसने H2S को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया. सेम इज द केस ओवर हेयर KMnO4 का जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक सल्फेट में यानी ये +2 से +3 में चला जाता है और KMnO4 +7 से +2 में चला जाता है. तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल कर रहा है. यूजेस क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हाउ क्रोमेट इज कन्वर्टेड इन टू डाइक्रोमेट आइन इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट इन एन एक्वस सोल्यूशन डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है. इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये क्रोमेट आइन है ये डाइक्रोमेट है. इसके अंदर जब आप अल्कली ऐड करते हैं यानी कि OH ऐड करेंगे जब OH ऐड करेंगे तो ये OH जो है वो इक्विलिब्रियम में OH जो है वो H के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेगा. रिजल्ट क्या होगा H की मिकदार यहाँ कम हो जाएगी. इस कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन रिवर्स में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरी प्रिंसिपल. अब ये रिएक्शन जब रिवर्स में जाएगा तो डाइक्रोमेट आइन क्रोमेट में चेंज हो रहा है.
दोबारा भी इसमें ये जब आप अल्कली ऐड करते हैं, मीन OH ऐड कर रहे हैं, तो ये OH जो है H से मिलकर लेफ्ट में चला जाएगा रिएक्शन, और डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब आप एसिड ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि एसिड की मिकदार जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है लीचैटल प्रिंसिपल के मुताबिक राइट जानब जाएगा और क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, हो पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी उसकी, और हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्राईवेलेंट में। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट का H2S के साथ रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, और ये जो H2S है ये S में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पोटाशियम डाइक्रोमेट ये फाइनल रिएक्शन में जो है कन्वर्ट हो जाता है सल्फर के अंदर। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग और सैक्रिफिशियल क्लोरीन? गैल्वेनाइजिंग क्या है? जिंक आयरन की सरफेस के ऊपर जो है वो जिंक का जो है वो कोट करना, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक का कोट करना, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इज डन बाय डिपिंग द क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड हीटिंग। द आयरन शीट इज देन रिमूव्ड, रोल्ड इनटू जिंक बाथ एंड एयर इज कूल्ड। अब ये है गैल्वेनाइजिंग। अब इसके बाद आ जाता है सेक्रीफिशियल क्लोरीन। अगर जिंक आयरन की शीट के ऊपर जहां पे आपने जिंक चढ़ाई हुई है वो लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, तो एक गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसमें जिंक एनोड के तौर पर अमल करेगा और आयरन कैथोड के तौर पर अमल करेगा। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम जिंक टू आयरन, रिजल्ट क्या होगा? जिंक डिके हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जिंक Zn से 0 से +2 में जा रहा है, डिके हो रहा है, जिंक जो है वो डिके हो जाएगा लेकिन आयरन इंटैक्ट रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल क्लोरीन, जिसमें आयरन महफूज रहता है लेकिन जिंक जो है उसकी डिकेइंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल क्लोरीन। व्हाट इज टिन प्लेटिंग? द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग कंसिस्ट ऑफ डिपिंग द आयरन शीट इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग द हॉट पेयर ऑफ रूलर्स। ये टिन जो है ये बड़ा स्टेबल होता है, जब तक इसकी कोटिंग जो है वो रहती है ना, तो आयरन जो है महफूज रहता है। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिन कैंस, यानी कि जो आपके टिन पैक वगैरह हैं इनको, ऑयल कंटेनर्स के अंदर और सिमिलर इस तरह के दूसरे आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि ये पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। तो सिंपल इसका मतलब है कि आयरन की शीट के ऊपर आयरन के ऊपर टिन का कोट करना, दिस इज टिन प्लेटिंग। व्हाट इज द नेम? राइट द नेम एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टील। स्टील जो है अलॉय है जिसके अंदर जो है कार्बन का कंटेंट जो होता है 0.25 से लेके 2.5 तक, और बाकी जो है सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन और मैंगनीज वगैरह है। तो तीन तरह की स्टील है, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील के अंदर जो है कार्बन का कंटेंट 0.1 से 0.2 होता है, ये सॉफ्ट होता है, डेक्टाइल होता है, और इसको जो है वो अपने फॉर्ज के यानी कि अपनी मर्जी से जिस मर्जी जो है शेप में चेंज किया जा सकता है बाय हैमरिंग। ये ट्यूब्स, नट्स और बोल्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। मीडियम कार्बन में 0.2 से 0.7% कार्बन होती है, ये हार्डर होता है ऊपर वाले से, मैलिएबल और डक्टाइल होता है, रेल्स एक्सल्स और कास्टिंग वगैरह जो है बनाने में इस्तेमाल होता है। ये जो है इट कैन बी फोर्ज्ड, इसको भी यानी कि आप डिजायर शेप में जो है वो बाय हैमरिंग चेंज कर सकते हैं जब उनके अंदर जो है वो कार्बन का कंटेंट 1% से कम होता है। अगर 1% से ज्यादा कार्बन का कंटेंट होगा तो उसको आप फोर्ज नहीं कर सकते, यानी कि अपनी मर्जी से शेप में जो है वो नहीं चेंज कर सकते। ये हैमर्स, डाइज, कटिंग टूल्स और ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो है इंजन वगैरह बनाने में, इंजन को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट भी राइट द नेम एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन की तीन फॉर्म्स हैं, पिग आयरन है, रॉट आयरन है और स्टील है। पिग आयरन के अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा है 0.2 2.5 से लेके 4.5 तक, 0.12 से लेके 0.25 तक, और स्टील के अंदर जो है 0.25 से लेके 2.5 तक। डिफरेंस बिटवीन रॉट एंड स्टील आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, ये अलॉय है जिसके अंदर मुख्तलिफ परसेंटेज ऑफ कार्बन की होती है। रॉट आयरन के अंदर जो है 0.12 ले 2.5 2.5% कार्बन होती है, ये पुडलिंग फर्नेस से बनाया जाता है। ये 0.25 से 2.5% कार्बन होती है, ये बनता है बाय ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसीमेटर प्रोसेस। राइट द नेम एंड फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट ओर्स ऑफ आयरन। तो मैग्नीटाइट है Fe3O4, हेमेटाइट है Fe2O3, लिमोनाइट है Fe2O3.3H2O। हाउ द एंट्रैप्ड एयर या हाउ द एयर बबल्स आर रिमूव फ्रॉम स्टील। तो इसको रिमूव किया जाता है बाय एडिंग एल्यूमिनियम या फेरो सिलिकॉन। एल्यूमिनियम क्या करता है,
ऑक्सीजन को रिमूव करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सूरत में, और नाइट्रोजन को रिमूव करता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड की सूरत में। व्हाट इज क्रेयन, गिव द कॉजेज ऑफ क्रेयन। एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल, कोई भी जो है डिकेइंग ऑफ मेटल जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रेयन। ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड क्रेयन। इसकी कॉजेज जो है वो क्या है कि जब मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विद द गैसेज ऑफ द एटमोसफेयर, वेन मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ इसका जो है वो इंटरेक्शन हो, और जब जो है गैसेज ऑफ द एटमोसफेयर के साथ, गैसेज ऑफ एटमोसफेयर के नतीजे में क्या होगा, इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और जब वाटर के साथ होगा तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और मेटल के अंदर जो है डिकेइंग का प्रोसेस पेनिट्रेट कर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शॉर्ट क्वेश्चन।